नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं सिविल ज्ञान। तो आज हम जानने वाले हैं कि अगर हम लोगों को इन्वर्ट लेवल नहीं दिया हुआ हो तो हम लोग एफआरएल से एक्सकेवेशन लेवल कैसे निकालेंगे, वो आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन के जो ऑप्शन है वो आपके सामने विजिबल है, आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है और बेल आइकन को दबा देना है ताकि हमारे वीडियोस आप नोटिफिकेशन के जरिए देख पाएं। ठीक है, ये करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। वो दबाएंगे तो आप लोग हमारे जो जितने भी वीडियोज़ हैं वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि कोई नया वीडियो आया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग एफआरएल का यूज़ करके और एक्सकेवेशन लेवल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, एक्चुअली ये सब भूल जाइए आप लोग, यहाँ पे कोई इन्वर्ट लेवल नहीं दिया हुआ है, आप लोग भूल जाइए कि यहाँ पे कोई इन्वर्ट लेवल दिया हुआ है। आप लोगों को इन्वर्ट लेवल फाइंड आउट करना है और निकालना है। मान लीजिए यहाँ पे अगर स्लोप दिया भी हुआ है 1:2000 का, तो आप लोग उसको यूज़ करके और इस साइड वाला आप लोग जो लेवल है या तो राफ्ट टॉप या फिर एक्सकेवेशन लेवल आप लोग निकाल सकते हैं। तो आपके पास में मान लीजिए अभी इन्वर्ट लेवल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे कोई लेवल्स नहीं दिए हुए हैं, बस एफआरएल दिया हुआ है। बाकी ये स्लैब की डायमेंशंस कितनी है, यहाँ पे वेंट कितना है वो दिया हुआ है और उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। बस जितनी भी हमारी डायमेंशन है, राफ्ट की डायमेंशन हो गई, वाल की हाइट हो गई, यही दिया हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ। तो आप लोग एफआरएल से कैसे निकालेंगे, तो अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम लोगों के लिए यहाँ पे एफआरएल यहाँ पे मेंशन किया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है कि आप लोगों को एफआरएल ये कहाँ पे दिखेगा। तो आपको देखना है कि एफआरएल ये किस जगह पे है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे एफआरएल दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ इस कॉर्नर पे ये एफआरएल बता रखा है। वैसे यहाँ तक पूरा जो है बिटुमन यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे ही हमेशा एफआरएल दिया जाता है इस कॉर्नर पे। इस कॉर्नर से आप लोगों को एफआरएल की मदद से फिर बाकी के यहाँ पे सारे लेवल्स यहाँ पे निकालने पड़ते हैं। तो जब भी आप लोग के पास में ऐसी कंडीशन हो, हमेशा आप लोग जब एक्सकर्शन करते हैं तो आप सारा रिकॉर्ड रखिए कि हम लोगों ने क्या एक्सकर्शन किया था, क्या लेवल हम लोगों ने लिया था, एक्सकर्शन का लेवल क्या निकला हमारा जहाँ तक हम लोगों को एक्सकर्शन करना है, और उसके अलावा स्लैब का टॉप का लेवल क्या है, स्लैब का बॉटम का लेवल क्या है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को रजिस्टर में नोट करके रखनी चाहिए। इसका यूज़ करके हम लोग कैसे निकालेंगे एक्सकेवेशन लेवल को, मतलब ये वाला लेवल जो पीसीसी का बॉटम है वो वाला लेवल हम लोग कैसे निकालेंगे, वो हम लोग जानना सीखेंगे आज। तो अब देखिए यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे एक आपको ये जो एफआरएल की वैल्यू क्या है वो हम लोग को पहले देखनी है यहाँ पे कि क्या है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे नीचे और यहाँ पे सारी वैल्यूज़ दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंसिडर की जाती है वैल्यू, वो यहाँ पे मिडिल वाली कंसिडर की जाती है कि मिडिल में आपकी हाइट क्या बन रही है वेंट की, उसको कंसिडर करके यहाँ पे एक्सकेवेशन का लेवल निकाला जाता है और फिर उसी से हम लोगों को काम चालू करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू दी गई है वो देखते हैं। यहाँ पे लेफ्ट और राइट मीडियम एज पे यहाँ पे लेवल्स दिए गए हैं। तो लेफ्ट एंड राइट मीडियम एज पे क्या यहाँ पे लेवल दिए गए हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दोनों तरफ सेम है और क्या है 492.855 इसका लेवल है। तो इसको लिख लेते हैं 492.855, तो 492.855 ये हम लोगों ने लिखा। अब यहाँ पे हम लोगों को इसका एक्सकेवेशन लेवल पता करना है इस वाले लेवल से। अब हमको इसमें से डिडक्शन क्या क्या करना है, तो यहाँ पे आप लोगों को इसके लिए कुछ नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। आप लोग जब नोट्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कुछ नोट्स दिए हुए हैं, उन नोट्स में आप लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप लोगों को दी हुई है, वो चीज़ें आप लोगों को देखनी है। तो यहाँ पे आप लोगों की अब बिटुमन की थिकनेस देखनी पड़ेगी आप लोगों को, कि यहाँ पे थिकनेस क्या है, यहाँ पे जो हमारा बिटुमन होगा उसकी थिकनेस क्या है, जो वियरिंग कोट है उसकी थिकनेस क्या है वो देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 13 नंबर का पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, इसमें लिखा हुआ है कि वियरिंग कोट शेल बी 40 mm थिक बिटुमिनस कॉन्क्रीट ओवर 25 mm थिक मास्टिक एस्फाल्ट। मतलब मास्टिक एस्फाल्ट और बिटुमिनस कॉन्क्रीट दोनों को मिला के 65 mm यहाँ पे इसकी जो हमारी बिटुमन है उसकी थिकनेस होनी चाहिए, जो हमारा बेस कोर्स है जिसको हम लोग बीसी भी बोलते हैं। वैसे ये बीसी और यहाँ पे एस्फाल्ट दोनों का मिला के होता है। एस्फाल्ट क्या, एस्फाल्टिक कॉन्क्रीट सॉरी एस्फाल्टिक यहाँ पे लेयर क्या होती है, जो जब हम लोग स्लेब के टॉप को फिनिश कर लेते हैं तो उसके ऊपर एक डामर की लेयर होती है, उसको एस्फाल्टिक लेयर बोला जाता है, और उसके ऊपर आप लोग बिटुमन कोर्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों मिला के यहाँ पे 65 mm की थिकनेस में है। तो यहाँ एफआरएल में से हम लोगों को 65 mm वो माइनस करना पड़ेगा, तो हम लोग स्लेब की टॉप पे पहुँच जाएंगे। कहाँ पे,
जहाँ पे हमारा क्रैश बैरियर है वहाँ पे, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ये इस जगह पे हम लोग स्लैब के टॉप पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ का स्लैब टॉप पहले निकाल लीजिए क्या आ रहा है। तो इसमें से आप लोगों को 65 mm माइनस करना पड़ेगा, मतलब 0.065 mm यहाँ पे इसको माइनस करना है। उसके बाद में क्या माइनस करना है वो देखिए, उसके बाद में आपको इस लेवल से इस लेवल पे पहुंचना है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से आप लोगों को इस लेवल पे पहुंचना है, तो आपको स्लोप का यहाँ पे जो यहाँ पे ग्रेडियंट हमारा दिया गया है, जो स्लोप दिया गया है उसका यूज़ करेंगे। ग्रेडियंट नहीं बोलते हैं इसको, इसको स्लोप बोलते हैं। तो इसका यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लोग इसकी मदद से ये वाला पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से ये वाली लेंथ हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे केस में यहाँ से लेके और यहाँ वाली जो लेंथ है वो यहाँ पे 12 मीटर है, 12 मीटर 500 ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहा है। इसमें से 500 mm क्रैश बैरियर के इनर फेस तक हम लोग डिडक्ट करते हैं तो 12 मीटर बचता है। तो 12 मीटर का 0.42% क्या होता है वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 12 मीटर का 0.42% क्या हुआ वो आता है 50.4 mm यहाँ पे आती है इसकी वैल्यू। तो हम लोग इसको 50 mm मान लेते हैं। तो यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ से इसको इस लेवल पे आना चाहते हैं, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा 50 mm और माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग इस लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है, 050 हम लोगों को माइनस करना है। तो हम लोग इस लेवल पे आ जाएंगे। फिर अब लोग हम लोगों को अब यहाँ से नीचे जाना है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या क्या माइनस करेंगे, एक तो हो गई हमारी स्लैब की थिकनेस, उसके अलावा ये वेंट की हाइट क्या है वो, और फिर उसके अलावा जो राफ्ट की थिकनेस है वो, इतनी चीज़ें हम लोगों को माइनस करनी है। तो हम लोग एक फाइनल लेवल पे पहुंचेंगे। तो ये सारी चीज़ें इनमें से माइनस कर लेते हैं। तो एक तो क्या माइनस करना है हम लोगों को, स्लैब की थिकनेस। तो स्लैब की थिकनेस कितनी है, 550 mm, तो 0.550 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में कितनी है, 4.776 यहाँ पे जो वेंट आपको दिख रहा है 776 ये हम लोगों ने माइनस किया। और फिर हम लोग यहाँ पे आगे डिडक्ट करते करते अब यहाँ से हम लोगों को इस बॉटम पे जाना है। तो कितना माइनस करेंगे हम लोग, 650। तो यहाँ पे हम लोग वापस से 650 mm माइनस कर लेते हैं, 0.650, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, हम लोग पहुँच जाएंगे फाउंडिंग लेवल पे, मतलब PCC टॉप लेवल पे हम लोग पहुँच जाएंगे। और हम लोगों को एक्सकेवेशन लेवल पता करना है। तो हम लोगों को अब यहाँ पे जितनी हमारी इसकी थिकनेस दी गई है PCC की वो हम लोग माइनस करेंगे। तो ये 150 mm की थिकनेस यहाँ पे दी गई है, आई थिंक यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं क्रॉस चेक, ताकि पता चल जाए कि क्या थिकनेस है। तो ये 150 mm की यहाँ पे थिकनेस देखिए, यहाँ पे दिखाई गई है कि 150 mm की थिकनेस है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग 150 mm और यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, तो 0.150 ये हम लोगों को माइनस कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी अब टोटल वैल्यू क्या आती है इन सबको कैलकुलेट करने पे, वो हम लोगों को निकालना है। तो वो हम लोग निकाल लेते हैं अब यहाँ पे। तो 492.855 माइनस 0.065 माइनस 0.050 माइनस 0.550 माइनस 4.776 फिर माइनस 0.650 एंड माइनस 0.150 ये हमने माइनस किया। तो यहाँ पे ओवरऑल हमारा जो लेवल आया, जो हम लोगों को राफ्ट का बॉटम यहाँ पे, मतलब राफ्ट का बॉटम नहीं, PCC का जो बॉटम है वो आया 486.614 ये निकल के आता है यहाँ पे। तो 486.614 ये हमारा PCC का, मतलब जो एक्सकेवेशन का लेवल है वो निकल के आता है, PCC बॉटम मतलब ये एक्सकेवेशन लेवल ये निकल के आता है यहाँ पे। तो ये हमारा फाइनल एक्सकेवेशन लेवल है जिसपे हम लोग को एक्सकेवेशन करना है। सेम ऐसे ही इसी तरीके से आप लोग इस साइड वाला भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को एक तो या तो पूरा एक्सकर्शन करना पड़ता है, या फिर हो भी सकता है कि एक साइड में भी एग्जिस्टिंग रोड चल रहा हो, तो फिर आप लोगों को एक साइड का भी कंस्ट्रक्शन करना पड़ सकता है। तो आप लोगों को यहाँ तक का एक्सकर्शन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ तक का एक्सकर्शन लेवल क्या आ रहा है। एक बार जब सर्वेयर पॉइंट देखे जाता है तो आपको पॉइंट जो है ग्राउंड पे शिफ्ट कर लेना है, जहाँ पे हमारा लेआउट का पॉइंट दिया गया उससे आगे जहाँ पे हमारा एक्सकर्शन नहीं होने वाला है उधर में शिफ्ट कर लेना है आपको, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो बाकी उसको बाद में चेक करने में कि हमको कहाँ तक एक्सकर्शन का यहाँ पे लेवल उठाना है, ठीक है। तो उसके बाद में आप लोग यहाँ पे क्या लेवल आ रहा है 1:1000 के हिसाब से वो निकाल लेंगे। 1:1000 मतलब ये कि 1000 mm में 1 mm का स्लोप
हो बन रहा है, मतलब 1 मीटर पे आप लोग यहाँ से 1 मीटर चलेंगे तो 1 mm का स्लोप आएगा, फिर यहाँ से 1 मीटर चलेंगे तो फिर 1 mm का स्लोप आएगा, इस तरीके से चलते हुए जाता है और यहाँ तक लास्ट तक पहुँच जाता है। और यहाँ पे जितनी भी लेंथ है इसकी, उसके हिसाब से यहाँ पे वाला ये वाला जो लेवल है वो निकल के आता है। तो इस तरीके से आप लोग इधर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप लोग इधर से फाइंड आउट नहीं करते हैं तो आप लोग सीधे यहीं से इस FRL का यूज़ कीजिए, यहाँ पे इसका स्लोप यूज़ कीजिए आप लोग, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला स्लोप बन रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे ये लेवल जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ये वाला जो हाइट है वो ऊपर है थोड़ा, इसलिए आपको जोड़ना पड़ेगा। ये कुछ इस तरीके से यहाँ से ये वाला जो लेवल है वो ऊपर है, क्योंकि ये माइनस वाला स्लोप बन रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा। फिर यहाँ से आप लोगों को 4.861 माइनस करना है, स्लैब की थिकनेस माइनस करना है, राफ्ट की थिकनेस माइनस करना है, और 150 mm की PCC यहाँ पे माइनस करना है, और आपका यहाँ पे इसका PCC का बॉटम यहाँ पे निकल के आ जाएगा, मतलब एक्सकेवेशन लेवल यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ये सारे रिकॉर्ड्स आपके पास में होने चाहिए। ये तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए हमारे वीडियो को, शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ में, और देखते रहिए सिविल ज्ञान।